गरम है, ठंडा नहीं हुआ। गरम है तो सुनो बात करो सब पते। बना पड़ा है, मैं लेकर आता हूँ। नाम ले आया है ना? तुम्हें क्या लगा जयराज, हम तुम्हें भूखा रहने देंगे? तुम्हारे बगैर खाने का एक निवाला गले से नहीं उतरा है। साहब, आपके होते हुए हमें कभी कोई दुख नहीं हो सकता। बातें तो बाद में होते रहेंगे, चलो खाना खा लेते हैं। मैं प्लेट लेकर आती हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिए हुजूर। भाई साहब खाइए ना। नहीं जराज, पहले तुम भोजन ग्रहण करो। आज से हमने वचन लिया है कि तुम्हारे भोजनोपरांत ही हम अन्न को हाथ लगाएंगे। आज तो आप सब हमारी पसंद का खाना लाए। अपने भाई की पसंद हमें पता नहीं होगी तो किसको पता होगी भला। खाओ। प्लीज वो करो, बंद करो। बाबा। खाना मैंने इसलिए फेंक दिया क्योंकि अगर मैंने सबको सच बता दिया तो रुद्र प्रताप सबको जान से मार डालेगा। आज प्रताप का जहर डाला है, कल बिना बताए अगर कुछ नहीं, नहीं मैं ये खतरा नहीं उठा सकती। तो चुप क्यों है, पता क्यों फेंका तूने खाना? कि ये खाना मेरे घर से आया था। और इस खाने पर आप सबका कोई हक नहीं। तारा, भूल रही हो कि जब तुम इस घर में आई थी तुम्हारे पास कुछ नहीं था। डैड ने तुम्हें खाना खिलाया, रानी बना के रखा, और अब ये। सुन दो बेटा, तो इतना गिर जाएगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। भगवान से डरो तारा, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। चुप। हो गए भाषणबाजी, तो मैं जाऊं? हाँ
और नंदू तू यहां अपने पति के साथ रोना ही रोती रहेगी या चलेगी भी मेरे साथ? चल। चलते हैं, थक गए हम। हाँ बधाई हो, आपने हमारा नाम ना बताकर ना सिर्फ अपने परिवार की जान बचा ली है बल्कि ढेर सारे नंबर भी जीत लिए हैं। अब आप ये खेल खेलना बहुत बढ़िया तरीके से सीख गई। अच्छा, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं ये खेल अच्छे से समझ गई हूँ तो एक बात तुम भी जान लो, ये बाजी मैं कभी भी पलट सकती हूँ। बस किस्मत मेरा साथ दे दे और मुझे तुमसे निपटने का रास्ता मिल जाए। That's the spirit. क्या कहते हैं आप लोग? इसीलिए तुम्हारे साथ खेल खेलने में मजा आता है। आइए देखते हैं कि अगला पड़ाव आप कैसे पार करती हैं। अगली कहानी भी बहुत मजेदार है, इसमें एक बार फिर अच्छाई पर बुराई की जीत होती है। बुराई की अच्छाई पर कभी जीत नहीं होती रूप प्रताप, और आज तक किसी भी कहानी बुराई अच्छाई पर नहीं जीती, और अगर बुराई जीतती है तो इसका मतलब ये होता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कण कण में कंकाल के नित बुराई है समाई, जीवित को काहे कोसे रे जब निर्जीव दे दुहाई। अरे तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या कोई सोने की पेटी है जो इतना सजा रहे हो? चलो जल्दी इसे अंदर रखो। अरे तू अपना शर्ट पहन ले। अरे तुझे मरीज बन के लेटना है, जल्दी कर। सुरैया का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? मालिक का फोन। हेलो, सब इंतजाम हो गया? जी मालिक। आवारा कुत्ते मुंह तो नहीं मारेंगे? फिकर मत करो मालिक, पुलिस को भनक भी नहीं होगी कि गाड़ी में ड्रग्स है, और उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए तो हमने लिबास पहना है। चुप 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 चुप। बोलती है तो बकर बकर बोलती चली जाती है, जानती है ना दीवारों के भी कान होते हैं। माफ कर दो मालिक, मैं तो वो। अच्छा सुन, असली माल मरीज के स्ट्रेचर के नीचे छुपा देना। जी मालिक। अरे तुम लोग अभी तक क्यों खड़े हो, जल्दी करो ना। इसे क्यों यहाँ पर रखा, इसे अंदर रखो। अरे यार इसे किसने रखा है यहाँ पे? चलो जल्दी करो, इसे अंदर रखो जल्दी। काम भी देते हैं तुमको, बराबर करने नहीं होता है। चलो जल्दी, चल तू लेट अभी, जल्दी कर। चल। हाय अल्लाह, जवानी के दिन याद आ गए। कितने बरसों बाद किसी ने ऐसे अफसाना भेजा है। पिताजी कितना चिल्लाया करते थे ना, अंदर चल अंदर चल अंदर चल। कौन होगा? पहले तिनके उड़ेंगे, फिर आशियाना मिटेगा, रुद्र प्रताप
रुद्र प्रताप, आज से तेरा हर फसाना मिटेगा। अरे किसकी हिम्मत हुई रुद्र प्रताप को धमकाने की? कलावती ऐसे घबराने वालों में से नहीं है। माल तो आज ही जाएगा, तुझे जो उखाड़ना हो उखाड़ ले। थैंक यू बेटा। अरे बाबा आप थैंक यू क्यों कह रहे हैं? छोटा सा ही तो काम है, अपने बाबा के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। बेटा हम सूटकेस पैक करने के लिए थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, हम थैंक यू बोल रहे हैं इसलिए कि आप हमारे साथ उस घर में चलकर रहने के लिए तैयार हो गए। बेटा हम जानते हैं कि आपके लिए आदित्य के साथ एक छत के नीचे रहना कितनी बड़ी सजा है, फिर भी आप हमारे खातिर ये सब करने के लिए राजी होगी, उसके लिए थैंक यू। डैड चले, टैक्सी वेट करें। हाँ हाँ बेटा चलो। हाँ अंकल, हम फार्म हाउस के लिए निकल रहे हैं, तेरे ऑफिस से चाबी कलेक्ट करनी है ना। अरे सांस तो ले लो जानेमन, ये संकल्प नहीं मैं आया वो यहाँ शिखावत भवन। What? संकल्प शिखावत भवन में? वो क्या है ना कि मैंने उसके सामने एक बिजनेस प्रपोजल रखा तारा के कहने पे, पर उस प्रपोजल की एक शर्त थी कि वो तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की कोई मदद नहीं कर सकता, और इसलिए वो अब अपना फार्म हाउस तुम लोगों को रहने के लिए नहीं दे सकता। नहीं संकल्प ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? हाँ वो तुम्हारा बरसों पुराना दोस्त है ना, इसलिए कम ऑन आदि, वो रहीस आदित्य शिखावत का दोस्त था, कंगाल आदित्य शिखावत का नहीं। यकीन नहीं आता है तो अपने एक्स फ्रेंड से पूछ। आदित्य संकल्प ये क्या मजाक है? तू नहीं जानता आदि मुझे इस डील की कितनी जरूरत है। लेकिन संकल्प तू जानता है ना मुझे इस घर की कितनी जरूरत है, और मेरे घर वालों को रहने के लिए जगह चाहिए यार, हम तो कितने पुराने दोस्त हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता आदित्य, आई एम रियली सॉरी। संकल्प मेरी बात, कंग्रेट्स, तुम्हें तुम्हारा नया बिजनेस मुबारक। अच्छा वो आदित्य के बाकी फ्रेंड्स का नंबर देना जिनसे वो मदद मांग सकता है। वो क्या है ना कि उन्हें बिजनेस प्रपोजल्स भेजने। थारा और नंदू ने संकल्प को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटे, हम सब समझ गए हैं। वे अंधेरे में साया साथ छोड़ देता है, वो तो दोस्त है। अगर भैया होते तो वो घर को इस हालत में नहीं रहने देते, और मैं हूं कि कुछ भी नहीं कर पा रहा। ऐसे क्यों कह रहे हो? कोशिश तो कर रहे हो ना? अगला पड़ाव आप कैसे पार करती हैं? इसमें एक बार फिर
अच्छाई पर बुराई की जीत होती है। सही कहती थी नंदू, मैं कब खुद से उठना सीखूंगी। मां बिल्कुल सही थी, जो इंसान अपनी मदद नहीं करता उसकी कोई मदद नहीं करता। अगर मैं रुद्र प्रताप की धमकियों से यूं ही डरती रही तो वो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा, और इसके लिए मुझे सबसे पहले इस कलावती यानी कि रुद्र प्रताप से बचने का उपाय ढूंढना होगा। पर मैं करूं भी तो क्या करूं, जब भी इस बारे में सोचती हूं सबसे पहले नंदू का ख्याल आता है। नंदू उसके पास है, मुझे सबसे पहले उसे उसके चंगुल से बचाना होगा। सामने देखो क्या हुआ लास्ट पीटे, पुलिस ने नाकाबंदी किया। सर इतनी गाड़ियां चेक कर ली, कहीं ड्रग्स मिली नहीं। हमें जिसने खुफिया खबर दी थी उसने कहा था कि खबर एकदम पक्की है। यस सर, ड्रग्स सप्लाई की जा रही है बाहर। सर इस एम्बुलेंस को चेक करें क्या? हाँ बिल्कुल, आजकल नए नए तरीके लोग अपना रहे हैं जुर्म करने के। ओके सर, देखो चेक करो। यस, पेपर दिखा। क्या है पीछे? पेशेंट ही होगा ना सर। चल उतर, दिखा। चल खोला इसे। इसमें क्या है? सर कुछ नहीं, उसमें खाली डिब्बा है, उसके ऊपर पेशेंट लेटा हुआ है। बड़ी अजीब आवाज है, खोखला है ये तो। सर खोखला नहीं, उसके अंदर दवाइयां है। अच्छा दवाइयां है? जी सर। दवाइयां हैं तो खुलता भी होगा है? चलो दिखाओ। क्या कर रही है? एक बात बता मुझे, मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हूँ? कौन है जिसकी छोटी कसम मैं कभी नहीं खाऊंगी? जिसके पास तू मुझे लेकर आए, मृत्युंजय। हाँ और आज मैं अपने मृत्युंजय की कसम खाकर कहती हूँ, रुद्र प्रताप ही कलावती है, और उसने मेरे मृत्युंजय को। क्या तू मार डाला? उधर रखो, चेक करना है। सर देखिए सर, मरीज की हालत बहुत खराब हो रही है सर, वो मर जाएगा सर, इमरजेंसी केस है, उसे ऑक्सीजन लगाए। मैं इसकी जिम्मेदारी मैंने लूंगी सर, प्लीज जाने दीजिए। साहब जाने दो ना, मरीज मर जाएगा साहब, हॉस्पिटल जाना है, बहुत दूर जाना है साहब, मर जाएगा साहब। आ जाओ आ जाओ। ए अरे खड़ा हो। वो वर्दी वाले बोल रहे थे किसी बंदे ने खुफिया खबर दी है पुलिस को। क्या करें, दीदी साहब को बताएं? ना रहने दे, अभी पुलिस को तो चकमा दे दिया है हम लोगों ने, अब तो किसी के बाप का डर नहीं है हमें। जी दीदी।
मेरी बात का विश्वास कर नंदू, झूठ नहीं बोल रही हूँ। बकवास है ये सब। मेरी बात पर विश्वास न करके तू अपनी जान खतरे में डाल रही है नंदू। मैं जानती हूँ तूने रुद्र प्रताप से शादी सिर्फ ऐशो आराम पाने के लिए की, और जब जान ही चली जाएगी तो ऐशो आराम का क्या? नंदू मेरी बात सुन, तूने खुद भी रुद्र प्रताप के दो चेहरे देखे, बोल देखे या नहीं, कभी वो बहुत अच्छा पति बन जाता तो कभी तुझे तुझे जानवरों की तरह पीटता है नंदू। मुझे उसकी हर बात माननी पड़ती है क्योंकि क्योंकि वो तुझे और परिवार वालों को मारने की धमकी देता है। मुझे सबसे ज्यादा तेरी फिक्र क्योंकि तू उसके साथ रहती है, वो हर वक्त तेरे साथ रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी कहेगी, झूठे नहीं मानती। ये बिल्कुल गलत है, मेरा पति खूनी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब मैंने अपने पति की झूठी कसम खाई। कहना क्या चाहती है तू? नंदू मैं तुझे सच कह रही हूँ, जिस दिन उस इंसान का अपना मतलब निकल गया ना, मुझे भी मार डालेगा तुझे भी। इसीलिए कह रही हूँ तुझे, तू यहाँ से चली जाएगी तो कहीं दूर चली जा, ये जगह तेरे लिए महफूज नहीं है। कहाँ से इसे? कहाँ से? बात समझने की कोशिश कर नंदू, समझना मुझे, क्योंकि ये सच नहीं है। मेरे पति खूनी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। बहुत बुरा लगता है तेरे लिए नंदू, भगवान तुझे सही और गलत में फर्क करने की समझ दे तो नहीं जानती तूने खुद को कहां फंसा लिया है। वाले काफी देर से हमारा पीछा कर रहे हैं सुरैया, चल अभी तेज चला। अरे कहां गए वो? लगता है डर गए होंगे। से मुझे बोल मेरी सोन चिड़िया, रुद्र प्रताप से कुछ पूछना है। आय हाय, ऐसी कौन सी बात है जो अपनी प्यारी सहेली से नहीं उस मुए मुच्छड़ रुद्र प्रताप से पूछनी? सुना है मैं रुद्र प्रताप के बारे में, जानना चाहती हूँ कि वो कितना सच है और कितना झूठ। अच्छा चल पूछ ले, क्या पूछ ले? क्या आपने मृत्युंजय का खून किया है, सगे भतीजे का? Yeah.
मैंने मृत्युंजय का ही नहीं अपने बाप का भी खून किया है। दोनों को मैंने ही तो मारा है। और कोई चारा ही नहीं था। कलावती की खातिर रुद्र प्रताप को उन दोनों को मारना पड़ा। देख इस गुलाबी कमरे को देख। गुलाबी कमरा और ये रुद्र प्रताप का कमरा, इन दोनों के बीच में कहने को सिर्फ एक दहलीज है, लेकिन फासला पूरी एक दुनिया का है, एक सोच का है, एक विचारधारा का है। कलावती तो इस कमरे में कैद होकर रह गई ना, केवल अपने बाप और अपने घर वालों की वजह से। रुद्र प्रताप ने हमेशा अपने घर वालों को चाहा, उसके घर वालों ने कलावती के लिए कुछ नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। तू ही बता, मेरी सहेली क्या होनी हो सकती? अरे वो तो खुल के जीना चाहती है, सांस लेना चाहती है, लेकिन रास्ते का रोड़ा बन गए थे तुम। वो मृत्युंजय मेरा बाप, इसलिए मार दिया रुद्र प्रताप ने उन्हें, मार दिया। लेकिन इल्जाम तो मेरे ही ऊपर आ रहे हैं, ऊपर से मेरी प्यारी सहेली मुझसे सवाल जवाब कर रही है। ये तो सामने रास्ता रोक के खड़े हैं। हरे रामा। हॉर्न मार, धीमे मत करियो, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हम भी गाड़ी चला सकते हैं। उड़ा दे उनको। क्या करेगी मेरी नंदू अपने कमीने पति के गुनाहों की सजा? अपनी सहेली को देगी क्या? छोड़ देगी उसे? सहेली का साथ कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? आपका दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कैसा महसूस होता है जब तुम्हारा खुद का परिवार तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। जो रुद्र प्रताप है ना, उससे बहुत डर लगता है। अगर उसने मुझे भी वैसी चोट पहुंचाई जैसे रुद्र प्रताप, ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है ना कलावती और नंदू कितनी अच्छी सहेलियां हैं। एक का दिल दूसरे के सीने में धड़कता है, लेकिन फिर भी अगर तू जाना चाहती है तो जा। पर वो जो 30 किलो सोने के गहने मैंने बनवाए हैं, सोच रही हूँ वो मैं किसको दूंगी? वो तो मैं ही लूंगी ना, मैं आपके साथ ही हूँ। अपनी कैली को छोड़ के मैं कहीं जा सकती हूँ क्या? हाय हाय, मेरी नंदू। अच्छा तुझे
बताया किसने कि मृत्युंजय को मैंने मारा है? बताया नहीं, और किसने? कितना समझाया मैंने उसे, कितना समझाया कि मेरी बीवी को मेरे खिलाफ मत भड़काना, अपनी हरकतों से बाज नहीं आती करम चली। ओहो, क्यों नाराज होते? उस करम चली को मैं देख लूंगी, आप टेंशन मत लो। अब मेरी कैली की थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां तो मुझे भी निभानी पड़ेगी, है ना? चलो, मैं तंबूरा बजाती हूँ, आप ढोलकी बजाओ। अरे वो एम्बुलेंस आ गई, हमारा माल था उसमें। अरे उठो पाप के जनो, उठो, हमारा माल चोरी हो गया है, उठो। दीदी साहब को हम क्या जवाब देंगे? वो हमें जान से मार देंगे। उठो। तारा, तुम बिल्कुल सही थी। हाँ, मेरा पति खूनी है, बहुत बड़ा राक्षस है वो। तुझे का खून उसी ने किया, सही थी। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। या मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जिसमें रुद्र जी ने कबूल किया है कि उन्होंने मृत्युंजय का खून किया है। सुनेगी? रुक, मैंने अपने फोन पे ना रिकॉर्ड कर ली, ये देख, सुन। अपने भतीजे मृत्युंजय का ही नहीं, अपने बाप का भी खून किया है मैंने। जी, नंदु, अगर रुद्र प्रताप को पता चल गई ये बात कि तेरे पास ही रिकॉर्डिंग है, उससे पहले पुलिस को पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है।